हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ये सेट डी का अभ्यास 9 है। इस प्रकार के 16 से 17 सेट है, प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। पूरा मिलाकर के 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे UPTGDPGT हो, UPLT ग्रेड हो, MP TET हो, MP मेन टेट हो, ठीक है, सुपर टेट हो, एमपी टेट तो आप दे चुके हैं, चाहे अदर स्टेट के TGT PGT हो, किसी भी चीज में आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। एंड सभी चीजों से रिलेटेड थ्योरी सेशन, वन लाइनर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीजें आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए दोस्तों, और जितना भी आपने पढ़ा है उसका अपना स्कोर चेक कीजिए। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो आप तैयार हो जाइए, 131 क्वेश्चन है कुल आज के सेशन में। तो 131 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर बनता है अपने को चेक करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों में भी प्राप्त किया जा सकता है? तो सूरज की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी। अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा विटामिन डी से रिलेटेड, तो विटामिन डी को कैसी फिराल, इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन आदि नामों से जाना जाता है। विटामिन डी में D2 और D3 मेन होता है। D2 को अर्गो कैल्सिफेराल कहते हैं, जिसकी कमी से टिटैनी होता है, अस्थियों में ऐंठन। एंड D3 को कोले कैल्सिफेराल बोलते हैं, जो बच्चों में रिकेट्स एंड वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज रोग हो जाता है। जो D3 है वो कोले कैल्सिफेराल उसको कहते हैं, या सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के क्या कार्य हैं? तो दोस्तों, अस्थियां क्या करता है? जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं वो अस्थियों से ढके रहते हैं। जिससे चोट लगता है तो अस्थियों पर लगता है, आंतरिक अंगों पर नहीं लगता है, उससे बचाव होता है। तो अस्थियां क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं आंतरिक अंगों की। नेक्स्ट है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा यानी कि व्यास होता है। या इसके तीन भाग होते हैं, डेडुनम, जोजिनम, इलियम, ठीक है। सबसे बड़ा भाग इलियम होता है, लेकिन सबसे पहला भाग जो अमाशय से जस्ट जुड़ा रहता है, अमाशय से भोजन डोडिनम के द्वारा ही छोटी आंत में जाता है, तो इसमें छोटी आंत के पहले भाग को हम क्या कहते हैं? डोडिनम कहते हैं। जहां पे अग्नाशय नली और पित्त नली जुड़ी होती है, यहीं पे आकर के भोजन में पित्तरस मिलता है और अग्नाशय नली, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम जो होते हैं, पाचक एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊतक यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। मांसपेशी को अध्ययन को मायोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के चारों ओर मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में हमारा कंधा और हिप आ जाता है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है उसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी गतियां होती हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए कंधे के जोड़ के रोटेटरी जॉइंट भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। केवीएस से पूछा गया था एक क्वेश्चन कि रोटेटरी जॉइंट किसे कहते हैं, तो कंधे के जॉइंट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है? लंबी नहीं पूछा है, लार्जेस्ट भले यहाँ पे दिखाया, लेकिन सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, हमारे हिप की मांसपेशी होती है। और सबसे लंबी मांसपेशी बोलेगा तो सार्टोरियस, सबसे छोटी मांसपेशी कान की स्टेपीडियस, सबसे मजबूत मांसपेशी तो मसेटर मसल्स, हमारे निचले जबड़े की, ये सभी चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, टेलर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो टेलर मांसपेशी सार्टोरियस मसल्स को बोला जाता है। एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स जांघ के पीछे होता है, डेल्टॉइड कंधे पर होता है, कॉफ मसल्स
गैस्ट्रोनिमियस को बोला जाता है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन आज समय पूछ सकता है, ठीक है। इसे सभी टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन जो लंबी अस्थियां होती है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है, खोखला भाग होता है, उसे कहते हैं हेवेल्सियन नाल। और उसी नाल में अस्थि मज्जा होता है, उसी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। एंड दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट इस समय बहुत बार पूछा जा रहा है, केवीएस में वो भी पूछा था ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, एंड एमपीटेट में भी आपके पूछा था। तो ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, हड्डियों के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भार का कितना परसेंट भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों यानी कि वॉलंटरी मसल्स यानी कि रेखित पेशियों ऐच्छिक पेशियों का होता है? जैसे कि हमारे मानव शरीर का कुल भार का 45% भाग हमारे मांसपेशियों का पाया जाता है, उस 45% में भी जो 40% भाग है ओनली रेखित पेशियों का, कंकाली पेशियों का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा का सक्रिय स्थान कौन है दोस्तों? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऊर्जा बनाने का प्रक्रिया कौन करता है? तो कोशिकीय श्वसन के द्वारा माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो कौन करता है? माइटोकांड्रिया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, वायवीय श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट है, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव यानी प्रेशर क्या होता है? दोस्तों जब हम श्वास लेते हैं तो जो हमारा फेफड़ा होता है वो डायफ्राम पर सदा होता है, और डायफ्राम जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स की बनी होती है। जब इंटरकॉस्टल मसल जो है फैलता है तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो जो फेफड़े का आयतन होता है वो बढ़ जाता है, जब फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो फेफड़े के अंदर का जो वायु दाब होता है वो घट जाता है। और वायु का हमेशा यह सिद्धांत है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, तो जब फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े के अंदर वायु दाब घटता है, तो वायु दाब जब घटता है और वायुमंडल में वायु दाब उच्च वायु दाब है और फेफड़े के अंदर निम्न वायु दाब है, तो क्या होगा? वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है, तो बाहर से वायु जो होता है फेफड़े के अंदर आने लगती है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े के अंदर का जो वायु दाब होता है वह घटता है, ठीक है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वायु दाब बढ़ता है फेफड़े के अंदर, ध्यान में रखिएगा। श्वास लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल्स फैलती है, तो डायफ्राम नीचे जाता है, तो फेफड़ा के अंदर आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े के अंदर का वायु दाब कम हो जाता है, जिससे बाहर की वायु फेफड़े के अंदर आने लगती है। जहां श्वास छोड़ते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ता है और डायफ्राम जो होता है वो ऊपर चला जाता है, जिसमें फेफड़े का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े के अंदर वायु दाब बढ़ जाता है और वायु जो है बाहर की ओर निकलने लगती है। तो इस सिचुएशन में आप याद रखिएगा कि श्वास लेते समय फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता है और श्वास छोड़ते समय फेफड़े के अंदर का दबाव बढ़ता है, जैसा कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती है, तो मांसपेशियां क्या प्रदान करती है दोस्तों? एक शेप, एक आकृति प्रदान करती है हमको, जिसका हमारा शरीर सुंदर दिखता है। नेक्स्ट, व्यायाम का रक्त संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों हम व्यायाम करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि, जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जब हृदय एक धड़कन में हृदय द्वारा बाएं नीले के द्वारा हृदय के बाएं नीले के द्वारा एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ भेजा जाता है उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो तेजी से हृदय धड़कता है और उसी के क्या स्ट्रोक वॉल्यूम भी, स्ट्रोक वॉल्यूम का जो आयतन होता है उसमें वृद्धि होता है। नेक्स्ट, हृदय के आकार में वृद्धि होता है जिसे एथलीट हार्ट कहते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी कमी होता है। उपरोक्त सभी चीजों का लाभ होता है व्यायाम करने से, तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि जानते हैं सबसे 1 ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है वसा,
लेकिन हम सबसे ज्यादा 60 से 65% भाग अपने भोजन में डेली यूज में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्यों करते हैं? ज्यादा ऊर्जा तो वसा प्रदान करता है, बट लेते हैं हमेशा कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंटली तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, और जो वसा होता है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट होने में कम से कम 5-6 घंटा लगता है। तो इतना समय तक वेट थोड़ी करते रहेंगे हम कार्बोहाइड्रेट लेकर के अपना भूख शांत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय की वायु यानी सेकेंड विंड के लक्षण कौन से होते हैं। दोस्तों जो हम एकाएक दौड़ते हैं या कोई क्रिया करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हम एकदम मन करता है कि हम नहीं कर पाएंगे, एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस एक क्षण के समय को हम कहते हैं सेकेंड विंड। क्या कहते हैं? सेकेंड विंड। उसके दौरान हमको क्या होता है, सिर में दर्द होता है, त्वचा पीली हो जाती है, छाती और मांसपेशियों में दर्द होता है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीजन रे, ऑक्सीजन डेप्थ शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो एवी हिल ने किया था। ऑक्सीजन ऋण होता क्या है दोस्तों? जैसे कि जब हम कोई अभ्यास करते हैं, क्रिया करते हैं, उस दौरान हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा होता है, एटीपी होता है, उसका हम यूज कर लेते हैं। उस दौरान जो भी होता है, जितने जल्दी जल्दी हम ऊर्जा खर्चा करते हैं, उतने जल्दी जल्दी ऊर्जा बना नहीं पाता हमारा शरीर, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हम भारी भारी सांस लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेकर के उसको पूरा करते हैं। तो जो वो जो अपने शरीर में ऑक्सीजन की भरपाई जो कमी हो जाती है, उसको जल्दी जल्दी सांस लेकर पूरा करते हैं, यानी कि ऋण लेते हैं, उसी को हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। इसकी खोज किया था एवी हिल ने। नेक्स्ट है, एड्स किसके माध्यम से संचालित होता है? तो तीन माध्यम से वही संचालित होता है, एक असुरक्षित यौन संबंध, एक मां के द्वारा शिशु में, और एक रक्त, आपको किसी ने सुई लगाया और उसी सुई से दूसरे के सुई लगा दिया था, रक्त दान द्वारा। इन तीन माध्यम से ही फैलता है, इसके तीन माध्यम के अलावा किसी माध्यम से नहीं फैलता है। तो इन तीन माध्यम में जो भी एक ऑप्शन रहेगा वही आपका करेक्ट रहेगा। तो इसमें से आपका कीटों के काटने से नहीं फैलता है, वायरस द्वारा नहीं फैलता है, यहाँ पे वायरस द्वारा तो फैलता है, चाहे भी वायरस द्वारा, बट यहाँ पे आपका संचारित कैसे होता है, किसी के द्वारा, यह होता है आपका रक्तदान द्वारा। नेक्स्ट है, शरीर के टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो जैसे कि कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा आता है, एक शरीर का निर्माण करने वाले जिसमें प्रोटीन आता है, एक शरीर की सुरक्षा करने वाले जिसमें विटामिन और खनिज लवण आते हैं। तो यहाँ पे शरीर को टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए कौन आवश्यक होता है? यहाँ पे प्रोटीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? तो मनोरंजन क्रियाओं का, मनोरंजन मन को आनंदित करने वाला, इसके इंग्लिश में कहते हैं रिक्रिएशन। री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब प्राप्त करना, यानी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना ही मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, लेकिन आप धैर्य बना करके पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। आपके अंदर पेशेंस होगा तभी आप कुछ चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना 131 क्वेश्चन है, इसको देखने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आप सोचेंगे कि अभी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना कौन देखेगा, तो वही हो जाएगा, 1-2 नंबर के चलते आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो पूरी मेहनत से लगिए, पूरी शिद्दत से लगिए, तभी सफलता मिलेगी। बहाने से कुछ नहीं होगा, आज बहाना बनाएंगे कल आपको दिक्कत होगा, आज बहाने नहीं बनाएंगे, मन से मेहनत करेंगे कल आपका सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती है? तो यहां पे है टिकटें इकट्ठा करना, क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, ये सभी मनोरंजन के अंतर्गत आएगी, बट योगासन करना यह नहीं आएगी मनोरंजन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, खेल की यह परिभाषा किसने दी है? कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो इस परिभाषा को दिया है स्टर्न ने। किसने दिया है बेटा? स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खेल को माना जाता है, तो भारत में खेल को क्या बोला जाता है? उद्देश्य रहित क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है?
तो कौन से प्रकार के खेल में काम और आनंद नहीं है। तो यहाँ पे फुर्ती से चलना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना, लंबी ड्राइविंग करना, ये सभी खेल काम के लिए आनंद है, बट धूप सेकना कोई क्रिया नहीं है, ये फालतू का टाइम वेस्टिंग है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है। तो आम लोगों को किसी को भी प्राकृतिक कैंप जो होता है वो ज्यादा आनंददायक होता है। नेक्स्ट है, कैंप के खेल निम्न में से किस के अनुकूलन होने चाहिए। तो कैंप के खेल जो है वो हमेशा जो कैंप में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनके अनुकूल होना चाहिए। तो कैंप प्रतिभागियों के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है, कैंप लगाने के लिए आवश्यक है। तो कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, यह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। कोई भी कैंप लगाएंगे तो हम किसी उद्देश्य से ही लगाएंगे कि हाँ इस कैंप को हम लगाने से हमारा ये डेवलप होगा या इस उद्देश्य के लिए हम लगा रहे हैं, तो उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन क्या है। तो इसका सबसे उत्तम साधन है, नेतागिरी के प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है दोस्तों, कैंप का प्रबंध करने से। अगर हम किसी को कैंप का प्रबंध करने का भागीदारी सौंप देंगे तो उसके अंदर नेतागिरी के गुण डेवलप होगा, ये सबसे बेस्ट उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है। कौन नहीं है अच्छे नेता के गुण, ये आपको देखना है। इसमें ऑप्शन है, वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, जो भी अच्छा लीडरशिप होगा उसके अंदर ज्ञान होगा तभी वो प्रभावित कर पाएगा दूसरे को, एंड उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, अगर नेता का ही व्यक्तित्व खराब रहेगा तो और लोग का भी प्रभाव पड़ेगा उस पर गलत। वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए, यह भी सही है। वह एक अनन्य शासक होना चाहिए, ये आपका एक अच्छे नेता का गुण नहीं है। अनन्य शासक नहीं होना चाहिए, उसका गुण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट, योग आसनों द्वारा निम्नलिखित स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है। दोस्तों, योग आसन कोई भी योगासन हो उससे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बढ़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शवासन से लाभ है। शवासन जिसे मृत्यु आसन भी बोलते हैं, सभी आसन करने के बाद शवासन किया जाता है लास्ट में, तो यह शवासन जो होता है वह शिथिलता प्राप्त करने के लिए शिथिलता प्राप्त करता है, शरीर को आराम प्रदान करता है। यह रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के ठीक करने के लिए भी किया जाता है, उसे भी आपको लाभकारी होता है। नेक्स्ट, योग सूत्र का लेखक कौन है। तो योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राणायाम है। तो दोस्तों, प्राणायाम क्या है, इसमें से कौन कौन से प्राणायाम है। जैसे पद्मासन तो एक आसन है, ध्यान आसन है, शवासन भी एक आसन है, त्राटक एक आपका सट क्रिया में आ जाएगा, जो सटकर्म होता है, नेति, दोति, नौली, वस्ति, त्राटक, कपालभाति, ये छह जो कर्म है सट क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे उज्जाय क्या है आपका, प्राणायाम है। उज्जाय क्या है, इसमें प्राणायाम है। नेक्स्ट, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है। तो रक्तचाप उपचार के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका शवासन, जिसे मृत्यु आसन भी कहते हैं। नेक्स्ट, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आसन जो है वो हठ योग के अंतर्गत आते हैं। आसन हो गया आपका, एंड सटक्रिया हो गया, ये भी आपका हठ योग के अंतर्गत आते हैं। अष्टांग योग आपका राजयोग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है। तो भुजंगासन जो है दमा अस्थमा के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति में किया जाता है। पेट के बल लेट के आधा मुख हम उठाते हैं, दोनों पैर पेट के नीचे करते हुए पूरा बल अपने दोनों हाथों पर लगाते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, इसको कहते हैं शलभासन। अधोमुख स्थिति में कौन सा किया जाता है, इसमें से शलभासन। नेक्स्ट है दोस्तों, कि भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम कौन है। तो भारत में कैंप
कैंप लगाने का सर्वोत्तम मौसम होता है बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियन आईपीई के प्रास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कब से आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 1963 में। कब? 1963 में एलियन आईपीई लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में ताराचंद कमेटी के सुझाव पर हुआ था। एंड इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कब से आरंभ हुआ? तो 1963 से। इसके प्रथम प्रिंसिपल थे पीएफ जोसेफ। नेशनल टर्नोवेलियन आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो जर्मनी में शुरू किया था फ्रेडरिक लुडविग जान ने। ऑप्शन नंबर क यहां पे करेक्ट होगा। जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह कहा जाता है गटमट को। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहा जाता है एडॉल्फ स्पीच को। नेक्स्ट है, बैरन पीरेडी कोबोर्डी का नाम संबंधित है। जैसा कि आप सबको पता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह इन्हें कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित है। इन्होंने 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कराया और इन्होंने आईओसी की स्थापना किया 1894 ईस्वी में। आईओसी का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट दोस्तों, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो दोस्तों, जॉर्ज विलियम ने 6 जून 1844 में इंग्लैंड में सबसे पहले YMCA की स्थापना की। 1883 में अमेरिका में किया गया स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। और 1920 में एक्ससी बक ने चेन्नई मद्रास में YMCA की स्थापना की। इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? कंडीशनिंग अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया है पावलोव ने। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन दिया था जिससे कुत्ते के अंदर स्वाभाविक अनुक्रिया के स्वरूप लार निकला था। फिर उन्होंने टेस्ट किया कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजाया जाए। तो उन्होंने बार बार स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी बजाया। एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने भोजन नहीं दिया वल्ली अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी बजाया। तो कुत्ते का जो कंडीशनिंग था, जो अनुबंधन था, उस घंटी के प्रति हो गया था। कुत्ता सोचता कि अब घंटी बजा यानी कि भोजन मिलेगा। तो जितना लार भोजन के देखने के बाद कुत्ते के अंदर से निकाला मापा गया, उतना ही लार घंटी बजाने पर भी निकला। यानी कि उस कुत्ते का जो अनुबंधन है वह अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन अनुबंधन हो गया। यही है आपका पावलोव का कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है? तो इस परिभाषा को दिया है क्रुक्स और स्टेन ने। किसने दिया है? क्रुक्स और स्टेन ने। नेक्स्ट है, कोरोनरी धमनी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है हृदय से। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब बायानील है रक्त, शुद्ध रक्त को एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में रक्त को पंप करता है। महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में रक्त को, शुद्ध रक्त को भेजा जाता है। तो महाधमनी की प्रथम शाखा जो होती है कोरोनरी धमनी, वह जाती है हृदय में। कोरोनरी धमनी क्या करती है? हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। किसको? हृदय को। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए कि हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करता है, तो कोरोनरी धमनी करती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी करती है। नेक्स्ट है, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? तो इसका भी आंसर आपने सही दे दिया होगा। जब शारीरिक भिन्नता की रूप, रंग, आकार, बाल, बुद्धि की बात आए तो अनुवांशिकता हमेशा होगा। ठीक है, उसके सीखने की बात आए, क्रियाकलाप की बात आए तो वो आपका वातावरण होगा।
तो एक व्यक्तिगत विकास जो होता है वह अनुवांशिक वातावरण दोनों की क्रियाकलाप द्वारा होता है, लेकिन जो शारीरिक भिन्नता होती है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में रंग रूप आकार में आकृति व्यवहार में वो होता है अनुवांशिकता के कारण। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों मनोविज्ञान वाले वीडियो को आप देखेंगे तो पूरे डिटेल में जान जाएंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया जो वर्तमान में कहा जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है, तो व्यवहार से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम यानी लर्निंग के नियम किसने दिया है। तो दोस्तों अधिगम यानी लर्निंग के नियम दिया है थार्नडाइक ने। किसने दिया है, थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम एक गौण नियम। अब मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने सीखने के मुख्य तीन नियम दिए हैं। पहला इन्होंने दिया है तत्परता का नियम या तैयारी का नियम, जिसे माइंडसेट का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। एंड दूसरा दिया है अभ्यास का नियम यानी एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एंड तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे संतोष असंतोष का नियम भी या लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सिखलाई में अधिक प्रभाव है। तो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा का सिखलाई में बहुत अधिक प्रभाव है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन दो प्रकार का होती है, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा बाह्य मोटिवेशन कुछ नहीं कर पाएगा। आप आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेंगे किसी कार्य को करने के लिए तो उस कार्य में करने को कितना भी बाधा आ जाए आप उस कार्य को कर ही लेंगे, क्योंकि आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं। किसी को दिखावे करने के लिए मोटिवेट नहीं है। तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होइए और वीडियो को पूरा देखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए और पूरी शिद्दत से लग जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके किसके कारण। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में। नेक्स्ट है सबसे अच्छा अध्ययन, सबसे अच्छा अध्यापन यानी टीचिंग का ढंग है। इस ऑप्शन में सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग कौन है, तो यहां भी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दो तरफ सक्रियता। दो तरफ सक्रियता मतलब शिक्षक और अध्यापक दोनों जब सक्रिय रहेंगे सबसे बेस्ट टीचिंग वहीं पे होगा। कोई एक भी सक्रिय नहीं होगा तो अच्छा प्रभाव नहीं होगा, लर्निंग अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है। तो कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है दोस्तों सिखाने वाली क्रिया के प्रकार पर। किस पे, सिखाने वाली क्रिया के प्रकार पर। ऑप्शन नंबर घ यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है। तो यहां पे ऑप्शन में सबसे बेस्ट प्रस्तुति ढंग होता है आपका प्रदर्शन। नेक्स्ट है दोस्तों कि पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। तो पाठ योजना हमेशा विषय से संबंधित होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। तो यह पाठ योजना बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होना चाहिए, बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। तो दोस्तों पाठ योजना के उद्देश्य हमेशा विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए। तो यहां पे आपका क राइट हो जाएगा, विषय वस्तु पर ध्यान। नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि श्रव्य दृश्य साधन जो होता है वो हमारे पाठ को प्रभावशाली बनाता है, उसको उत्तम बनाता है, बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाता है। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है जिम्नास्टिक कला जो सहायक सामग्री होता है उन उपकरणों का प्रयोग करके ही उत्तम ढंग से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट है, निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन समझा जाता है। तो निरीक्षण दोस्तों यह एक सक्षम अवलोकन की अनुभूति है। क्या है, सक्षम अवलोकन यानी कि इवेल्युएशन, मूल्यांकन की क्या है, ऑब्जर्वेशन की अनुभूति है।
नेक्स्ट है 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच खेले जाए होंगे। दोस्तों जैसा कि नॉकआउट में सिंगल नॉकआउट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-1 और डबल नॉकआउट में 2n-2, लेकिन मैचों की संख्या ज्ञात करने का होता है, लेकिन जब टीमों में तीसरा चौथा स्थान भी निकालने का बात करें तो सीधे n होगा। 15 टीमें हैं तो तीसरा चौथा स्थान में निकालने के कितने मैच होंगे तो 15 ही होंगे, सीधे n होगा। इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, मैं किसी वीडियो में इसको डिटेल में समझा दूंगी। नेक्स्ट है 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। 10 टीमें हैं, डबल लीग है, सिंगल लीग का सूत्र होता है n-1/2 और डबल लीग का सूत्र होता है n-2, यानी अपान 2 नहीं रहेगा बस, ठीक है। तो n-2 तो क्या हो जाएगा, जब n-2 है तो 10 × 10-2 नहीं होगा दोस्तों, n-1 क्या होगा, n-1 तो 10 × 10-1 तो क्या हो जाएगा, 10 × 9 = 90, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा ग सही, ठीक है। 10 टीमों में डबल लीग प्रणाली द्वारा कितने मैच खेले जाएंगे तो 90 मैच खेले जाएंगे। अगर सिंगल लीग होता तो 45 खेला जाता, ठीक है। नेक्स्ट है एक कुशल प्रशिक्षण स्किल्ड ट्रेनिंग का संबंध है, तो इसका संबंध है त्रुटि ढूंढना और सुधार करना। नेक्स्ट है कुशल योजना स्किल्ड प्लान की प्लान प्रारंभ की जाती है। तो दोस्तों स्किल्ड यानी कि जो स्किल्ड सीख चुका हो, तो कुशल योजना प्रारंभ की जाती है, तो यह कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है। तो दोस्तों आप प्रभावशाली निर्णय तभी कर सकते हैं जब उस चीज के बारे में आपको नियमों का ज्ञान होगा, तभी कर सकते हैं। तो नियमों का ज्ञान होना प्रभावशाली निर्णय के लिए एक लक्षण अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों फार्टलेक प्रशिक्षण बढ़ाता है। तो दोस्तों फार्टलेक प्रशिक्षण एंड्योरेंस को डेवलप करने की एक विधि है, या आपका सहनशीलता राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड्योरेंस को डेवलप करने की चार विधियां हैं, कंटीन्यूअस, इंटरवल, रिपीटेशन, कंपटीशन। तो कंटीन्यूअस मेथड के अंतर्गत भी स्लो कंटीन्यूअस मेथड, फास्ट कंटीन्यूअस मेथड, फार्टलेक प्रशिक्षण, वेरिएबल पेस मेथड आते हैं। तो फार्टलेक क्या बढ़ाता है, एंड्योरेंस को डेवलप करता है। नेक्स्ट दीवार को धकेलने का उदाहरण है, एक क्वेश्चन आया था आपका एमपीटेट में, यह आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई। मान पीसी की लंबाई में कोई चेंज नहीं होता, ना घटती है ना बढ़ती है, और तनाव बना रहता है, ये होता है आपका दीवार को धक्का देना, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा काम कम से कम प्रशिक्षणीय ट्रेड है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड जो है सबसे कम प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता होती है, तो कौन है सबसे कम प्रशिक्षणीय, स्पीड। नेक्स्ट है लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है। तो लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, जहां भी जंप शब्द आ जाए, वो जंप कर रहा है यानी गति और शक्ति दोनों का प्रयोग कर रहा है, वहां पे होगा आपका विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन कब करते हैं। तो लिम्बरिंग डाउन यानी कूलिंग डाउन हमेशा खेल के पश्चात करते हैं, ठीक है, और वार्म अप हमेशा क्रिया के शुरुआत में तैयार करते हैं, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल करते हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। नेक्स्ट है लीड अप गेम सहायक है। तो लीड अप गेम जो होता है वह मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों वेरिएबल पेस मेथड और फॉर्टलेक मेथड जो होता है, जिसमें एरोबिक अनएरोबिक दोनों का प्रयोग, दोनों ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। एन आपका अंतराल प्रशिक्षण में भी किया जाता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में भी,
बट जहाँ भी फॉर्टलेक मेथड नहीं दिया रहेगा वहाँ अंतराल प्रशिक्षण आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एरोबिक एन एरोबिक का फॉर्टलेक मेथड में। फॉर्टलेक मेथड की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। नेचर हृदय की दाहिने अलिंद राइट आर्टिकल से रक्त कहा जाता है, तो दाहिने अलिंद से दाएं नीलय में जाता है, कहा जाता है दाएं नीलय में जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक, और फिर दाएं नीलय से पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से शुद्ध होकर ऑक्सीकृत होकर पल्मोनरी शिराओं के रास्ते बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं नीलय में जाता है, बाएं नीलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है, तो जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि, जहां पे कार्य विधि किया जाए वहां क्रिया विज्ञान हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग होगा शरीर क्रिया विज्ञान, वर्ली संरचना रहता तो रचना विज्ञान हो जाता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जल चिकित्सा का अर्थ है, तो पानी से उपचार इसमें किया जाता है जिसको हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घटक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित नहीं करता, तो शायद एक क्वेश्चन भी आपके एमपीटीएट में आया हुआ था, तो शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित कौन नहीं करता इसमें से, तो यहाँ पे आंसर है विस्फोटक शक्ति, और ये भी तालमेल योग्यता गति अच्छा आसन ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुआ था। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था, तो किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था, तो 1980 में भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था बास्केटबॉल में, एंड बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो 1936 में, और एशियाई गेम में कब शामिल हुआ था, तो 1951 नई दिल्ली में। नेक्स्ट पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है, तो पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा 40 मिनट यानी 20-20 मिनट के दो हाफ होते हैं, बीच में 5 मिनट का मध्यांतर होता है, और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के दो हाफ 5 मिनट का मध्यांतर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषम है, तो दोस्तों इसमें से कौन विषम है आपको देखना है, तो फोर्स पावर टाइम इसमें से कौन विषम है, एंड द्रव्यमान, इन चारों में से कौन विषम है, तो दोस्तों यहां पे बल जो है वो विषम है, यहां पे आंसर बल दिया गया है। नेक्स्ट है कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, तो कबड्डी खेल में लोना के लिए दो अंक दिए जाते हैं, जब विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को अंतिम खिलाड़ी को जब हरा दिया जाता है तो उसके बदले में दो अंक का लोना मिलता है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो 3 अंक मैदानी गोल एरिया होता है वो 6.75 मीटर होता है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी माका ट्रॉफी किसको दी जाती है, तो आप सबको पता है यह विश्वविद्यालय को दी जाती है, इसका प्रारंभ जो है 1956-57 में किया गया था, कब किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में किया गया था, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है यह। यह पिछले एक साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है, इसमें धनराशि स्वरूप 15 लाख दिया जाता है, इसके प्रथम विजेता बॉम्बे यूनिवर्सिटी था, एंड 2022 का विजेता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब। आज तक में मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी माका ट्रॉफी जीतने वाला सबसे अधिक बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, जो अभी तक में 23 बार जीत चुका है सबसे अधिक बार। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ हुआ था, तो आप सबको मालूम है द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है, और यह उत्कृष्ट प्रशिक्षकों यानी कोचों को दिया जाता है जिन्होंने
चार वर्षों की अवधि में एथलीटों का उत्कृष्टता हासिल करने में मदद किया हो उस प्रशिक्षक को दिया जाता है और प्रथम द्रोणाचार्य विजेता है भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के कोच थे, इसमें 15 लाख धनराशि दिया जाता है। नेक्स्ट है, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार उदय चंद को दिया गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? तो ओलंपिक झंडे में जो 5 छल्ले होते हैं वो 5 रंग के होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, बट यहाँ पे गुलाबी रंग का नहीं होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में से किस देश ने सबसे अधिक प्रगति की है? तो आधुनिक काल में सबसे अधिक प्रगति किया है तो USA यानी कि अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहां से आरंभ हुआ था? तो 1953 से पटियाला में आरंभ हुआ था। ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी हमारे देश की। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को टोक्सोटोज बोला जाता था, टोक्सोटोज बोला जाता था। एंड प्राचीन ग्रीस में एक व्यायामशाला होता था पेलेस्ट्रा, व्यायामशाला को पेलेस्ट्रा बोला जाता था। अब पेलेस्ट्रा में सारे शिक्षक को पेड्रो ड्राइक बोला जाता था और संगीत संबंधित विद्यालय को डिडास्केलियम एंड कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पेनेक्रेशन बोला जाता था। भाला का प्रयोग करके करने वाले अध्यापक को एकोनटिस्टिस बोला जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, तो दोस्तों अपोलो देवता सूर्य देवता को बोला जाता था और आकाश देवता जीएस देवता को बोला जाता था और समुद्र देवता को पोसिडियन बोला जाता था। नेक्स्ट है, YMCA सारी शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन है? तो ये है SC बक, इनका पूरा नाम है हेनरी क्रो बक। यह भारत में सारी शिक्षा के पितामह भी कहे जाते हैं। इन्होंने ही 1920 में चेन्नई मद्रास में YMCA की स्थापना किया। एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है YMCA। एक क्वेश्चन भी MPTET में आया हुआ था कि एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन है, तो YMCA है। नेशनल राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुआ? तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना 1954 में J.K. भोसले के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरी बार एशियन खेल में कौन से वर्ष में आयोजित कराए थे? तो सबसे पहला एशियन खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था और दूसरी बार 1982 नई दिल्ली में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1982 नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रीस किसकी देन है, यानी ग्रीस में सबसे ज्यादा आपके दार्शनिक हुए हैं, चाहे अरस्तु, प्लेटो, सुक्रात, सब ग्रीस के ही है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्न में से किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। सबसे पहले इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध भेदपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ होता है? यह परिभाषा है JBNS का। शारीरिक शिक्षा से संबंधित समस्त परिभाषाओं को जानने के लिए शारीरिक शिक्षा का अर्थ परिभाषा वाले वीडियो को देखिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पेशेंस बना के रखिए दोस्तों, वीडियो लंबा है बट आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? यह व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास करना या संपूर्ण विकास करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य क्या है? जैसे एक शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास, तो मानसिक विकास
जो शारीरिक शिक्षा है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करता है, और शिक्षा होता है ओनली मानसिक विकास करता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करता है। तो शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन हुआ, तो मानसिक विकास हुआ। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता कैसे है, यह लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा यह है कि लोग समझ लेते हैं कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, जबकि शारीरिक शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व की संपूर्ण विकास है, चाहे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सामाजिक सभी रूपों से संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा है। बट यहाँ पे लोग गलत धारणा समझ लेते हैं कि हाँ ये व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यही इसकी गलत धारणा है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का संबंध है, तो शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है, स्वास्थ्य शिक्षा से, हेल्थ एजुकेशन से। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है, यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है, एक अच्छा ढंग से स्वस्थ जीवन बिताने के लिए सहायक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है, तो गहरी निद्रा और आराम डालता है, प्रतिदिन व्यायाम भी डालता है, संतुलित भोजन भी डालता है, बट लिखाई और पढ़ाई नहीं डालता है। नेक्स्ट है खेल समाज शास्त्र का संबंध है, तो दोस्तों खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह की आपसी तालमेल से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता है, तो दोस्तों प्रतिदिन व्यायाम करना करता है, खेल खेलना भी करता है, योग व्यायाम करना भी करता है, बट शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना पढ़ना या आपके शारीरिक दशा यानी फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ के विकास में सहयोग नहीं करता। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का महत्व है, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो यह अच्छे जीवन व्यापन में सहायक होता है। स्वास्थ्य क्या करता है, अच्छे जीवन व्यापन में सहायक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो दोस्तों ये खेल जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारे माँ के गर्भ से ही उलटना पलटना फिर गर्भ से बाहर आने पर जो ही बच्चा खेलता है खेल के द्वारा ही सब कुछ सीखता है, इसलिए इसको सांस्कृतिक धरोहर बोला गया है। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है, तो किनेसियोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है दोस्तों, तो मानव क्रियाओं के अध्ययन से है, गति के अध्ययन से है। नेक्स्ट है गति के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए हैं, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को त्वरण या एक्सीलरेशन का नियम, संवेग का नियम, और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरे नियम को माना जाता है। नेक्स्ट है गति के नियम को प्रतिपादक कौन है, तो आप सबको पता है न्यूटन है। नेक्स्ट है दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है, तो दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है कि एफ ए आर 312 ए के नीचे एक है, यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस की। एंड आर के नीचे टू है, यानी कि दूसरे प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है फोर्स एंड एक्सिस के। और एफ के नीचे थ्री है, यानी तीसरे प्रकार के लीवर में फोर्स यानी कि बल जो है वह बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। यहां पे दूसरी श्रेणी के लीवर में पूछा है, तो दूसरी श्रेणी के लीवर में क्या होता है, दो के ऊपर क्या है आर यानी रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, तो क्या होगा प्रतिरोध, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो है आधार और बल के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक कौन से होते हैं, दोस्तों अधिकतर तीसरे प्रकार के उत्तोलक होता है हमारे शरीर में, प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का लीवर एंड दूसरे प्रकार के लीवर को बल का लीवर और तीसरे प्रकार के लीवर को गति का लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है, तो क्या बढ़ाने के योग्य है, बल व गति दोनों बढ़ाने के योग्य है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक।
नेक्स्ट दोस्तों संतुलन निर्भर करता है। तो वस्तु के चौड़े आधार पर, वस्तु का आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्रेविटी जो होता है वह जहां भी समस्त भार कार्य करता है, तीनों तल मिलता है सेजिटल फ्रंटल हॉरिजॉन्टल, वहां उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्रेविटी यानी कॉर्डिनल पॉइंट। यानी जिस किसी व्यक्ति का यदि ग्रेविटी पॉइंट जितना नीचे होगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र जितना ही नीचे होगा ग्रेविटेशनल पॉइंट, उतना ही संतुलन अच्छा होगा। स्त्रियों का ग्रेविटी पॉइंट, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो होता है पुरुषों के अपेक्षा नीचे होता है, क्योंकि उसका जो हिप वाला भाग होता है चौड़ा होता है, अधिक भार होता है। नेक्स्ट काइफोसिस विकृति को कहते हैं। तो दोस्तों काइफोसिस को हम कुबड़ा भी बोलते हैं हिंदी में, उसमें पीछे हमारा जो उसको गोल कमर भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा, हमारा पीठ वाला भाग ऊपर उठ जाता है इसलिए उसको गोल कमर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं, लेटरल डिविएशन। मेरुदंड एक तरफ मुड़ जाता है, हिप दूसरी तरफ मुड़ जाता है, इस क्रिया को, इस प्रकार के पोस्चर डिफॉर्मिटीज को स्कोलियोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है एवरेजन चोट है। दोस्तों जब हम अचानक से किसी जगह पे गिर जाते हैं, हमारी चमड़ी छिल जाती है, रगड़ खा जाती है, उसे हम एवरेजन बोलते हैं, या एक त्वचा की चोट है। नेक्स्ट है मोच के उपचार के लिए सबसे बेस्ट उपचार कौन सा है। दोस्तों तो जितने भी एथलेटिक प्रकार की चोट है उसमें तुरंत बर्फ का प्रयोग करना चाहिए, तो मोच के उपचार के लिए सबसे बेस्ट तुरंत उपचार है बर्फ से उपचार। क्या होता है, बर्फ से उपचार। नेक्स्ट है हड्डी टूटने का तुरंत क्या उपचार है। तो हड्डी टूटने का तुरंत उपचार है कि उसमें जो चोट वाले भाग में हलचल है सबसे पहले उसको बंद करेंगे। नेक्स्ट है जांघ के विकास के लिए सबसे बेस्ट व्यायाम कौन सा है। तो जांघ के विकास के लिए सबसे बेस्ट व्यायाम है वजन के साथ अधि बैठक लगाना। नेक्स्ट है पेट की मांसपेशी को विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है। दोस्तों तो घुटने मोड़ कर सीटअप लगाना, ठीक है। सीटअप जो है वहां पे सीटअप जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है, जिसमें फोर्स जो है बीच में होता है। जब हम सीटअप लगाते हैं जो पूरा फोर्स हमारे पेट के ऊपर पड़ता है, ठीक है, ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर को गति करते समय सिकुड़ती है। तो जैसे प्राइम मूवर एंड प्राइम मूवर और प्रतिरोधी पेशियों को आप मैंने बताया है कि पेशियों के कार्य किस प्रकार पेशियां कार्य करती है। तो मांसपेशियों को उस प्रकार को बताया जो शरीर को गति समय करते समय सिकुड़ती है उसको एगोनिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एगोनिस्ट। यानी कि जो गति करने में मांसपेशियों को गति करने में मुख्य भूमिका अदा करे उसको कहते हैं एगोनिस्ट यानी प्राइम मूवर। जब उसके विपरीत वो कार्य करे तो उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। मान लीजिए हम अपने हाथ को फ्लेक्स कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, उस कंडीशन में हमारे हाथ को मोड़ने में बाइसेप्स जो है मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बाइसेप्स जो है एगोनिस्ट का कार्य कर रहा है और उसके विपरीत जो कार्य करता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो इसके विपरीत कार्य कर रहा है ट्राइसेप्स, तो यहाँ पर ट्राइसेप्स एंटागोनिस्ट हो गया। वही जब हम अपने हाथ को फैलाते हैं यानी एक्सटेंशन करते हैं तो इस कंडीशन में हाथ को फैलाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है हमारे ह्यूमरस हड्डी के पीछे वाले जो मसल्स होती है ट्राइसेप्स। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स मुख्य भूमिका अदा कर रही है, तो यहाँ पे ट्राइसेप्स एगोनिस्ट हो गया और उसके विपरीत कार्य कर रहा है बाइसेप्स, तो बाइसेप्स एंटागोनिस्ट हो गया। जैसा कि आप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों में अंतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न में से प्रथम समूह कौन सा है। तो दोस्तों प्रथम समूह हमेशा परिवार होता है, द्वितीय समूह आपका विद्यालय, मीडिया, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल का वजन कितना होता है, 396 से 453 ग्राम होता है। तो 396 से 453 ग्राम होता है, यहाँ पे कहीं दिया नहीं है इसलिए इससे के अनुसार 396 से 450 राइट हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट है 396 से 453 ग्राम, ये ध्यान में रखिएगा।
नेशा 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? तो होता है 40 मीटर। नेक्स्ट है, गोला फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो गोला फेंकने के सेक्टर का कोण 34.92 अंश होता है। जैसा कि गोला फेंक, हैमर थ्रो एंड डिस्कस थ्रो, इन तीनों में फेंकने के सेक्टर का कोण 34.92 होता है, बट जेवलिन थ्रो में 29 अंश होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बाल का पास देने में क्या होता है? एक हाथ की उंगली का प्रयोग होता है कि दोनों हाथ की? तो दोनों हाथ की उंगलियों का हम प्रयोग करते हैं सिर के ऊपर से बाल को पास देने में। नेक्स्ट है, हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो थोड़ी दूर पर। क्या है? जब सहयोगी खिलाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा हो तो पुश पास दिया जाता है। नेक्स्ट है, लेट शब्द प्रयोग होता है। तो लेट शब्द आपका टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, इन सब में प्रयोग होता है। यहाँ पे टेबल टेनिस दिया तो टेबल टेनिस राइट हो जाएगा, टेबल टेनिस नहीं दिया रहेगा तो टेनिस राइट हो जाएगा, आंसर के अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया था। किस उद्देश्य के साथ? किया राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ और भाईचारे को बढ़ाना और निर्माण करने के लिए ओलंपिक खेल को पुनर्जीवित किया गया था। नेशनल ओलंपिक के झंडे पर पांच अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए जो छल्ले हैं वो क्या दर्शाते हैं? पांच छल्ले होते हैं जो नीला, पीला, काला, हरा, लाल, डब्लू के आकार, अंग्रेजी के डब्लू के आकार को दर्शाते हैं। यह दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। किसको? दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। पांच रंग के होते हैं, पांच छल्ले, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। जो नीला रंग होता है यह यूरोप को प्रदर्शित करता है, यूरोप महाद्वीप को। पीला एशिया महाद्वीप को, काला अफ्रीका महाद्वीप को, लाल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है, लाल अमेरिका महाद्वीप को। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के लेखक खेल का स्थान था। तो ग्रीष्म ओलंपिक 2000 कहां पे हुआ था दोस्तों? यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें करण महेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। भारत की प्रथम महिला कांस्य पदक विजेता बनी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो यह 91-92 से 1900 कब से शुरू किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? 1991-92 से यह शुरू किया गया, लेकिन 2021 में अब वर्तमान में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 91-92 में इसका शुरू हुआ। यह प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद चेस खिलाड़ी को मिला और इसमें 25,00,000 धनराशि दिया जाता है। और 2022 में वनली एक खिलाड़ी को दिया गया, अचंत शरत कमल को। किसको? अचंत शरत कमल को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, जो कॉमनवेल्थ गेम में 2022 बर्मिंघम में मेन सिंगल्स, मिक्स डबल्स, मेन्स टीम में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो पहले दोस्तों फुटबॉल के एक प्रसिद्ध महान खिलाड़ी है। तो दोस्तों ये था 131 क्वेश्चंस। 131 क्वेश्चंस दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अपने मुकाम को हासिल करिए जल्दी से जल्दी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।